आज सुबह की शुरुआत होता है इस फॉग भरे ग्राउंड से। फॉग ज्यादा होने के कारण हम लोग फिर भी क्रिकेट खेले। क्रिकेट खेलने के बाद आ जाता हूँ मैं लाइट बनाने के लिए। बगल में बैठे भाई बताता है कि आज काम नहीं होगा। जब बैठा था तभी गांव के बच्चे लेकर के आते हैं बम्बू और बोतल से बने हुए बैट को लेकर के, जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। आज काम ना होने के कारण मैं बोलता हूँ कि घर जाकर के वीडियो में वॉइस ओवर कर लूंगा। जब मैं घर जाता हूँ माइक को लेने के लिए तभी मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। फिर मुझे बाद में याद आता है कि मैं अपना माइक जैकेट में ही भूल गया था। तभी जाकर के देखता हूँ कि जैकेट तो मम्मी भिगा दी थी और उसके साथ मेरा माइक भी। ये माइक में ज्यादा पानी होने के कारण माइक को ले आता हूँ लाइट हाउस और यहाँ पे दे देता हूँ सूखने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये माइक अब ठीक हो पाएगा और आज मुझे बहुत सफर भी करना था, तो मैं आ जाता हूँ मार्केट न्यू माइक लेने के लिए। फिर मैं चला जाता हूँ शॉप के अंदर माइक लेने के लिए। फिर मुझे दिखाया जाता है एक एक करके माइक। फिर मुझे एक माइक पसंद आ जाता क्योंकि इसका क्वालिटी अच्छा था। फिर मैं भैया से पूछता हूँ कि इसका प्राइस कितना। तभी भैया बताता है इसका प्राइस 150 रुपया है, तो मैं 120 में लेकर के चल देता हूँ घर। फिर मैं घर आकर के इसका क्वालिटी चेक करने लग जाता हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा क्वालिटी का नजर आया। इस माइक का रियल में प्राइस कितना होना चाहिए आप लोग कमेंट में बताएं। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।